हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन करें इन पांच चीजों का दान, खत्म हो जाएगी आपकी रुपए पैसों की तंगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शुक्रवार के दिन ये पांच चीजें दान करते हैं तो आपके घर से हमेशा रुपए पैसों की तंगी दूर हो जाएंगी, यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसेगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी से मतलब आज से ही शुक्रवार के दिन ये पांच दान अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, हिंदू शास्त्र में शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो जातक इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेता है उसकी तंगी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, शुक्रवार को दिन न सिर्फ पूजा का ही बल्कि दान पुण्य का भी काफी महत्व बताया गया है। शुक्रवार के दिन आपको कुछ खास चीजों का दान करने से भी फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह के लिए आप दान पुण्य कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शुक्रवार के दिन आप चावल, जी हाँ दोस्तों चावल, मिश्री, सफेद कपड़ा, दही, चांदी, दोस्तों इस चीजों का दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन इसका दान करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन विवाहित महिला को भोजन करवाए, साथ ही इन्हें सुहाग के सामान भी दान करें। इन सामानों में चूड़िया, कुमकुम, लाल साड़ी आदि हो सकता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप लाल कपड़े जरूर पहने, खासकर सुहागिन महिलाओं को तो लाल रंग जरूर पहनना चाहिए। ये रंग माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय बताया जाता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली या मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन किसी भी तरह के जीव जंतु को किसी भी तरह का कष्ट ना पहुंचाए, ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में लिखा है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वह कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कभी भी आप किसी नारी का अपमान ना करें। दोस्तों, कभी भी आप किसी नारी का अपमान ना करें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। तो दोस्तों, चोरी, लड़ाई या किसी भी के लिए मन में गलत विचार लाना भी सही नहीं माना जाता है। शुक्रवार के दिन किसी से झगड़ा करने से बचे, ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह आप शुक्रवार के दिन ये पांच चीजें दान करते हैं तो आपके ऊपर यानी कि आप पर मेहरबान हो जाती है माँ लक्ष्मी जी, यानी कि आपके घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, महालक्ष्मी का आगमन होता है और स्थायी रूप से आपके घर में रहती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन ये चीज़ों का दान अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।